ख्याल रखना अपना, ठीक है। हाँ ओके चाचू, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं, ठीक है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, मैं व्लॉग तो स्टार्ट कर रहा हूँ लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं बहुत एक्साइटमेंट से और बहुत मन से अच्छे तरीके से नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक खतरनाक जो है ट्रेजिडी हो गई हमारी फैमिली के साथ में, तो गाइस इसलिए मैंने कहा व्लॉग तो स्टार्ट करना ही है, बात तो करनी है आप लोगों से। और फिलहाल गाइस मैं रेडी हो गया हूँ, अभी नहा धो करके पूजा पाठ वगैरह करता हूँ, निकलते अपने ऑफिस के लिए, क्योंकि गाइस काम तो रुक नहीं सकता ना, काम तो करना ही पड़ेगा, जॉब वाले लोग हैं, ऐसा यानी कि अपने बिजनेस से दुकान डाली और घर बैठ गए, जॉब वाले को तो काम करना ही पड़ेगा। और बहुत मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। चलिए गाइस चलते, पहले पूजा वूजा कर लेते हैं। चलिए गाइस पूजा पाठ समाप्त हो गई है, अब चलते हैं। और गाइस नाश्ता वास्ता करने का बिल्कुल कुछ मन नहीं कर रहा है। बाय बाय, मिलते शाम को। हाँ क्या खाओगे? चिप्स खाओगे? पूरा खाओगे? बर्बाद तो नहीं करोगे? नहीं। पक्का? और फिर गेट बंद कर दो। ओके बाय बाय। सो लेट्स गो टू द ऑफिस। सच में गाइस किसी ने बहुत सही कहा है कि किसी भी व्यक्ति का नहीं पता कब क्या हो जाए, भगवान की मर्जी के बिना तो गाइस एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम तो गाइस एक इंसान है बस, हम क्या कुछ कर सकते हैं, जिसको जो होना होगा वो तो होगा ही, हमें खुद का नहीं पता एक मिनट बाद, एक घंटे बाद, एक दिन के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। बस गाइस हमारे साथ वही है कि जो हमारे कंट्रोल में है वो हम कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल से बाहर है उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, तो जो भी होगा अब देखा ही जाएगा। तो चलिए गाइस फाइनली पहुँच गए अपने तिकोनिया चौराहे पे, चलते फटाफट से कैंट के अंदर और करें फिर आज के दिन की शुरुआत। और गाइस मौका मिलने में बात करेंगे आपसे, मे भी शायद आज मुझे हाफ डे मिल जाए, देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और टेक केयर। सो चले गए फाइनली मैं कैंट से बाहर निकल गया हूँ गाइस, और गाइस अभी मम्मी जी भैया भाभी जी को निकलना है दिल्ली के लिए, तो चलते हैं फटाफट से घर को। सो चले गए फाइनली आगे हमारे घर की कॉलोनी। सो चले गए फटाफट पहले खाना खा लेते हैं, मम्मी जी ने पुलाव बनाया साथ में सलाद वलाद भी है, तो चले गए शुरू करते हैं। आओ चाचू, आओ चाचू, आ जाओ। ओके चाचू बाय बाय, और गाड़ी में बैठते हैं, चलो बाय बाय। कंफ्यूज हो रहा था तो बाय बाय, ख्याल रखना अपना, ठीक है। हाँ आराम से जाना। ओके चाचू बाय बाय, जल्दी मिलते, ठीक है। तो चले गए फाइनली मम्मी जी और बाकी लोग, सब लोग चले गए दिल्ली के लिए। सो गाइस बड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब सब लोग चले गए, मैं इधर ही हूँ और घर अकेला है, बस मैं और मेरी हनी मेरे साथ में, बस हम दो ही लोग हैं। मतलब गाइस हफ्ता भर मान के चलिए, हफ्ते भर तक मम्मी जी जो है वहीं रहेंगी। गाइस मतलब समझ ही नहीं आ रहा है आज पूरे दिन, मतलब ना ऐसा रहा है आज, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मतलब गाइस मैंने एक चीज़ देखी हमेशा और लाइफ में नोटिस भी करी है, मैंने काफ़ी साल फील्ड मार्केटिंग की हुई है, तो उसमें जाकर के मैंने तरह तरह के लोगों से मिला हूँ, बहुत सारी मैंने किताबें पढ़ी हुई हैं, बहुत सारी मैंने इन्फॉर्मेशन गेन की हुई है। तो उसमें मैंने पढ़ा था और मैंने सुना है कि भगवान जिम्मेदारियाँ उसी व्यक्ति को देता है जो उन जिम्मेदारियों को निभा सकता है। तो अगर ये जिम्मेदारियाँ भगवान ने दी हैं हम सब लोगों को, तो गाइस बड़ा अजीब मूवमेंट है हमारी लाइफ में ये वाला। कहते हैं ना गाइस कि कभी सुख आपके साथ ही रहता है, ये एक सर्कल की तरह है, आधे में सुख तो आधे में दुख। अगर ऐसे जाएगा तो मान लीजिए दुख 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 चल रहे हैं, फिर घूम करके फिर यहाँ से आधे में सुख है, फिर आधे में दुख है, तो ये एक सर्कल है। सो गाइस मैं निकल रहा हूँ फिलहाल मार्केट के लिए, और मार्केट जाने का रीज़न गाइस छोटा सा ही है, ये कल क्या हुआ था गाइस हवा चली और ये मेरा कल गमला टूट गया। वैसे मम्मी जी ने कहा था कि यार सूरज घर पर रहना, कहीं जाना मत, लेकिन थोड़ी देर का काम, बस यूँ ही जाना, यूँ आना फटाफट से। सो गाइस घर को यूँ छोड़ के मैं जा नहीं सकता, सो इसीलिए जो है मुझे जल्दी जाना, जल्दी से आना, मतलब अंधेरा होने से पहले पहले घर मत जाना। सो गाइस ये आ गया मैं गमलों की शॉप में। चलिए गाइस गमले ले लिए हैं और साथ में एक डस्टबिन भी ले लिया, मम्मी जी ने कहा था ले आना एक डस्टबिन एक और। और गाइस देखिए मैं अपनी स्कूटी की नई वाली चाबी लेकर के आ रहा हूँ, वाली चाबी मुझे मिली नहीं और ये बड़ा पंगा करती है खोलने में, देखिए आप। तो चले गए फाइनली मैं पहुँच गया यहाँ पे,
स्कूटी को ही साइड में लगाते हैं और चलते हैं ऊपर। स्कूटी खड़ी कर दी है और मालूम करके आते हैं। ये भी तो 5-6 दिन हो गए हैं, पता नहीं अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ। तो चले गए, फिलहाल तो अभी ठीक नहीं हुआ मेरा पीसी का मॉनिटर मतलब, तो देखते हैं कब तक होता है। चले गए फाइनली पहुँच गया घर की कॉलोनी में। चले गए घर आ गया, लगाते हैं स्कूटी को अंदर। तो चले गए फाइनली, खाना वाना खा लिया मैंने। तो फिलहाल गाइस बैठा भी आराम से, टीवी भी चलाया था थोड़ी देर पहले, अब टीवी भी बंद कर दिया मैंने। अब समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ, घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। और दिन तो चाचू खेल रहा होता है, मस्ती कर रहा होता है, मम्मी जी होती हैं, भैया होती हैं, भाभी जी होती है, तो मतलब एक घर में एक रौनक सी बनी रहती है। आज कोई है नहीं, आपको पता सब लोग दिल्ली गए हैं। और गाइस वैसे मम्मी जी भाभी जी और भैया को दिल्ली जाना ही था, मम्मी जी का अपॉइंटमेंट था किसी हॉस्पिटल में, तो लेकिन उनको जाना ही पड़ा फिर भी। और ऐसे जाना पड़ा, किसी ने सोचा नहीं था गाइस कि ऐसे जाना पड़ेगा। और गाइस मैं सच बताऊँ तो ना, मम्मी जी और सब लोगों के जाने के बाद मैं दिन में ना पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, मैं इतना इमोशनल हो गया था, मतलब बहुत गंदा वाला इमोशनल हो गया था मैं सच में। क्यों हुआ मुझे भी नहीं पता, तो बहुत मुश्किल से फिर मैंने अपने को कंट्रोल किया। और उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं गया था, आपको पता है मार्केट, तो गमले ला करके पेड़ लगा दिए मैंने उसमें। तो गाइस फिर ये था मेरा आज का व्लॉग। गाइस आज मैं आपको लाइक करने के लिए, शेयर करने, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा फिलहाल। गाइस मिलते हैं कल आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।